मंत्रिमंडल विस्तार में हरियाणा के 3 सांसदों को मंत्री बनाए जाने पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में संतुलन नहीं बनाया गया। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं, इस बारे में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मंत्रिमंडल विस्तार को कांग्रेस कैसे देखती है, इस मेरे साथ हैं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश सिंह, से जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको कांग्रेस कैसे देखती है, क्योंकि हरियाणा से 3 सांसद को मंत्री बनाया गया है। देखिए, वैसे तो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, किसी को बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की अपनी मर्जी, बेड़ा गर्क करो, अच्छा करो, माड़ा करो, वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी होती है, प्राइम मिनिस्टर उसको बनाता है। लेकिन मैं एक इंसान के नाते पार्टी लाइन से ऊपर हट करके ये कह सकता हूँ कि भाई बैकवर्ड क्लासेज का एकमात्र इन पे एमपी था, बीसी ए का बनाना चाहिए था, संतुलन नहीं बनाया, महाजन को भी बनाना चाहिए था, अग्रवाल समझाया को, ये तीनों तो पहले भी थे, इन्हीं की वजह से तो बीजेपी आ रही थी हरियाणा में। ये जो 5 सीटें आई, 3 पे मुकाबला हुआ, मरती मरती बची है, ये लोग तो पहले भी थे, वही बना दिए, तो इसका मतलब इनका सवा सत्यानाश लाजमी है। जयप्रकाश जी, आपने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है और आपकी जीत भी हुई है, जो जीत हुई है उससे पहले कोई भीतर घात भी हो? कम मतों तो कहाँ जीते हूँ, मैं तो घने तो ऊपर जीते हूँ, लगभग 65,000 मतों से जीते हूँ, और भीतर घात का तो इस बार किसी का पल्ले कुछ था ही नहीं, जनता चुनाव लड़ रही थी। हमारे नेता जैसे राहुल जी ने कहा था कि अब की बार देश की जनता इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ रही है, और उसमें बड़ा क्लियर था राहुल जी की यात्राएं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भांज की अध्यक्षता में और दीपेंद्र सिंह की अगुवाई में हमारी जन आक्रोश यात्राएं, जन आक्रोश रैलियां, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की जनता में वाकई में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जयप्रकाश जी, संसद में आप सबसे पहले क्या आवाज उठाओगे हरियाणा के लिए? देखेंगे, पहले दिन के पावागा एजेंडा तो वो देंगे, जो एजेंडा आएगा सरकार की तरफ से उसमें चर्चा करेंगे। जयप्रकाश जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कांग्रेस की आगे? भाई, हमने तो बेरा नहीं, हम 6 सीट जीते हैं, 3 में हम हारे हैं, हम 3 की 3 सीट कांग्रेस को जितवाएंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस सांसद जयप्रकाश, इन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं, वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।